नमस्कार, मैं भानु सिरमाली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज का राशिफल आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हूं। मार्ग छह कृष्ण पक्ष अष्टमी 16 नवंबर 2022 का राशिफल है। उससे कुछ क्षण पहले मैं आपको आज की ग्रह स्थिति के बारे में अवगत करवा दूं। मेष राशि में राहु विराजमान है, वहीं द्वितीय राशि वृषभ राशि में मंगल विराजमान है और कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे आज सूर्य और केतु तुला राशि में। वहीं वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध देव विराजमान है जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना करके। वहीं मकर राशि में शनि विराजमान है और मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति। अश्लेषा नक्षत्र है आज। आज विशेष तौर से कई राशियों में हंस और सर्स दो योग बन रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग सभी राशियों में। अब मेष राशि का राशिफल। आज मेष राशि वाले पूरे दिन अपने मूड में बदलाव देखेंगे, कार्य के प्रति सतर्क रहे। समय आपके धैर्य की आज परीक्षा ले सकता है। कुछ धार्मिक कार्यों में अपने कार्य के प्रति रुचि बढ़ती हुई देखेंगे। और वृषभ राशि वाले आज कुछ एंजॉय करने वाली वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा। वहीं आज विशेष कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। कारोबार से आज विशेष लाभ की संभावनाएं बन रही है। मिथुन राशि वाले आज विशेष तौर से आज आपको कुछ संभल कर कदम बढ़ाने चाहिए। कुछ इस प्रकार के समाचार आ सकते हैं जिससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। अब शब्दों के प्रयोग से बचे हैं। आज सामने वाले की भावना को समझे। आज मूड में अच्छी तरोताजा रखने का प्रयास करें तो अच्छी बातें कुछ हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि वाले आज आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, वहीं कुछ लाभ की संभावनाएं भी बनी हुई है। मन में प्रसन्नता और आत्मविश्वास देखने से सारे कार्य लाभान्वित होंगे। भाग्य प्रबल है, लाभ के योग बने हुए हैं। अब सिंह राशि वाले आज आप कुछ व्यस्त भी रहेंगे, कारोबार में मस्त भी रहेंगे। काम की तारीफ आज कुछ व्यक्तियों द्वारा हो सकती है। वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए आज का दिन मौज शौक के साथ कुछ लाभ की स्थितियां बनी हुई है। वहीं कुछ नया खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। अब कन्या राशि वाले आज विरोधी कुछ आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए मन में आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। नया और शुभ कार्य करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। आज कुछ अपने मित्र या करीबी आप पर गुस्सा निकाल सकते हैं, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। तुला राशि वाले आज आपके कार्य में स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। कुछ समस्याओं के साथ अड़चनों के बाद लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। वहीं जो सोची हुई योजनाएं आज कार्य संपादित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। वहीं अविवाहित व्यक्तियों के विवाह से संबंधित कुछ शुभ समाचार आ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सबसे पहला सुख निरोगी काया, वहां से आपको शुभ समाचार स्वास्थ्य में तरोताजा महसूस करेंगे जिससे आपके सारे कार्य शुभ होंगे। अब वृश्चिक राशि वाले आज आपका पुराना या कोई अटका हुआ काम बनेगा। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। आज अपने परिवार से कहीं से शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य तरोताजा रहेगा। अब धनु राशि वाले पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की उम्मीद बन रही है।
सेहत की कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है, उदर विकार की परेशानी रह सकती है, सतर्कता बरतें। आज जीवन साथी पर गुस्सा ना करें, आपका जीवन शुभ रहे। मकर राशि वाले आज अपनी वाणी शब्दों पर अच्छी पकड़ बनाकर रखें, गलत बोले तो कुछ हानि हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, आंखों में कुछ परेशानी की संभावना बन रही है। वाणी पर संयम रखते हैं, वाणी पर समझदारी रखते हैं तो आप आज कुछ विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे। कुंभ राशि वाले आज आपके करीबी या पुराने किसी से मुलाकात आपके लिए सुखद रहेगी, वहां से कुछ ऐसे समाचार आपको प्राप्त होंगे जिससे मन में प्रसन्नता और कुछ विशेष लाभ की स्थितियां भी बनती नजर आएगी। आज आपने जीवन साथी से कोई बात छुपा कर रखी है तो वह आज उजागर होने की संभावना है, जिससे कुछ तनाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि वाले व्यापार के लिए धन लाभ की स्थितियां अच्छी बनी हुई है। मीन राशि वाले आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मन में कुछ दुखी सा महसूस करेंगे, फिजूल खर्ची पर ख्याल रखें। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और वहां हिम्मत भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कोई व्यापार के लिए कुछ विशेष योजनाओं पर आज चर्चा हो सकती है। सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ नमस्कार। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।